गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की, आज हम लोग हिंदी की क्लास में हिंदी के बारे में, हिंदी के लेसन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आपकी ये बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला, ये देख लीजिए आपकी बुक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो। ये जो कविता है वो एक बहुत बड़े कवि, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोएट बोलते हैं, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है। और ये बच्चों के बीच में बहुत ही फेमस पोयम है, बहुत ही लोकप्रिय कविता है। इसको याद करना, इसको पढ़ने में से एक अंदर जैसे कहते हैं ना, वीरता का अनुभव होता है कि हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही गई है। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को, इस ये कविता में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर मतलब जो वीर पुरुष होते हैं, आप भी वीर हैं, आपके बारे में कहा गया है, आपको वो संबोधित किया गया है, आप हैं वीर, आगे बढ़ते चलो। धीर मतलब धीरज रखने वाला, जिस जो वीर होता है उसके अंदर धैर्य भी बहुत होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि कहना चाहते हैं कि हे वीर बालक, हे वीर बच्चों, ये धीरज वाले बच्चों, आगे निरंतर बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में अपने देश का झंडा रहे, आपके मन में ये प्रण रहे कि कभी भी हम अपने देश के झंडे को नहीं छोड़ेंगे, उसको अपने मन में। हाथ में ध्वजा रहे से मतलब हाथ में ही ध्वज पकड़ के नहीं चलना है, हाथ में ध्वजा रहे मतलब मन में भी आपकी एक धारण रहे कि आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, बाल दल मतलब बच्चों का समूह, वो सब मिल करके वो बच्चों का समूह आगे बढ़ता रहे। तो फिर क्या कह रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हे वीर बच्चों, ए धीर बच्चों के समूह, आगे बढ़ते चलो, और तुम्हारे हाथ में अपने देश का ध्वज, झंडा, तिरंगा, वो तुम्हारे हाथ में रहे। कभी भी तुम अपने देश के बारे में ही हमेशा सोचो, उसके विरुद्ध कभी मत सोचो, ठीक है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिस काम में भी तुम आगे बढ़ो, वो तुम्हारा देश के लिए हो। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, देश का झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, मतलब अपने देश की आन, देश का मान कभी भी कम ना हो, देश के लिए तुम्हारे मन में सम्मान हमेशा रहे, दूसरों के मन में भी तुम्हारे देश के लिए सम्मान रहे, ठीक है। और हमारा ध्वज किसी भी हाल में कभी भी झुकने ना पाए, नीचे गिरने ना पाए। दल कभी रुके नहीं, मतलब ये जो वीरों का समूह है, ये कभी भी किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। कब नहीं रुकना चाहिए, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, पहाड़ से मतलब कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से कभी भी ध्वज रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, तुम्हारा दल कभी रुकना नहीं चाहिए। सिंह की दहाड़ हो, कोई चाहे कितने ही शेर दहाड़ रहे हों या कितने ही दुश्मन चिल्ला रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा ध्वज कभी झुकना नहीं चाहिए। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम बिना डरे हुए वहाँ से कभी भी हटो नहीं, वहाँ से हटना नहीं है डर के एकदम। तुम निडर डटो वहीं, वहीं पर डट के खड़े रहना, उस मुसीबत का सामना करना, उससे भागना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे तुम्हारे साथ में कोई हो या ना हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जैसे सूर्य भगवान, देखो सूर्य, सूरज सुबह बढ़ता रहता है,
सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, मतलब सूर्य के समान। सूरज भगवान जैसे देखो अकेले चलते हैं ना, उनके साथ कोई नहीं होता, जब वो चलते हैं तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब लोग छुप जाते हैं, और कितने भी बादल आ जाएं, कुछ आ जाए, वो कभी रुकते नहीं हैं। और चंद्रमा भी कभी भी अपनी गति को रोकता नहीं है, अपने निरंतर गति बनाए रहता है। तो वैसे ही सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर, हे धीरवान पुरुष, हे धीरवान बालक, तुम आगे बढ़ते चलो। देखा, ये कितनी अच्छी कविता है, कितनी अच्छी बात बताई गई है कि तुम्हें निरंतर कितनी भी मुश्किलें आएं, कितना भी कष्ट आए, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन खड़ा हो, कोई बड़े से बड़ी मुश्किलें हों, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना है का मतलब अपनी पढ़ाई, अभी तो तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें कितनी भी मुश्किल से आए, कुछ भी हो, तुम्हें पढ़ाई में आगे बढ़ते रहना है, अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है ना। और जो भी कार्य करना है वो अपने देश के लिए करना है, ऐसा काम करना है कि जिससे देश का नाम ऊंचा रहे, ध्वज हमेशा ऊंचा रहे। तुम्हारे ऐसे किसी काम से देश का नाम खराब ना हो, ध्वज कभी झुके नहीं, बोल रहा है ना, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, बोला ना। तो कभी भी आपको आगे नहीं, मतलब कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। और जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी गति को निरंतर बनाए रखते हैं, वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। ये थी आपकी कविता। आपका होमवर्क ये है कि कविता को आप 8 लाइन की, यहाँ से देखो, ये यहाँ से शुरू करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ तक तुम्हें ये कविता अपनी कॉपी पे लिखनी है, और साथ में क्या करना है, इसके शब्दार्थ, देखो ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं ना, जैसे धीर, धैर्यवान, धीरज रखने वाला, ध्वज मतलब झंडा, बाल दल मतलब बालकों का समूह, डटो वहीं अडिग रहना, पहाड़ मतलब पर्वत, प्रात मतलब सुबह, ये 6 जो हैं शब्दार्थ आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, पहले आपको बुक पे अपने ऊपर सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पाठ का नाम, जैसे पाठ एक क्या है, ठीक है, ये लिखेंगे, और साथ में कवि का नाम लिखेंगे, है ना, कवि कौन है आप इसके, कवि कौन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, कवि का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शब्द और एक तरफ लिखेंगे अर्थ, ठीक, फिर यहाँ पर शब्द लिख लेंगे और उसके सामने उसका अर्थ लिख लेंगे, और दूसरे पेज में कविता लिखेंगे, ठीक है। कविता लिखने के बाद इतना आपका होमवर्क, फिर आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कविता को पढ़ेंगे और उसके शब्द अर्थों को लिखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ये काम करके रखेंगे, और हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, अपने हाथों को अच्छे से 20 सेकंड के लिए धोते रहेंगे, ठीक है, बाय।